सत्संग जी प्रेम से कहना, सत्संगत आज दूसरे दिन भी झारखंड बिहार के इस संत समागम का पूरा पूरा आनंद लिया गया। जहाँ कल भी सारा दिन भिन्न भिन्न रूपों में ये अमृत पान होता रहा, जहाँ पर ये साध संगत रूपी परिवार एक दूसरे के दर्शन भी कर रहे हैं और साथ ही साथ जो जो भी पहलू आते चले गए उनको सभी ने मर्यादा पूर्वक निभाते हुए पूर्ण शोभा बनाई इस समागम की। और जैसे कल भी जिक्र हुआ, आज भी हुआ कि प्रांतीय समागमों की लड़ी में बिहार झारखंड के इस समागम पर जो रांची में आयोजित हुआ है, इससे पहले भी अलग अलग नगरों में अलग अलग स्थानों पे होता आ रहा है। और इसी प्रकार से अब की बार यहाँ रांची में आप सभी उत्साहपूर्वक उपस्थित हुए हैं, जहाँ पर कल भी एक ऐसे सुंदर भावनाएं सभी को श्रवण करने को मिली, जहाँ पर छोटे बच्चों ने क्या, जवानों के, बुज़ुर्गों ने, बहनों माताओं ने अपने भाव प्रकट किए, वहाँ पर इस प्रांत के आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पहुँचे और उन्होंने भी अपने भाव रखे। और भी ऐसे सज्जन जो देश की सेवा कर रहे हैं अरसे से, सहाय जी का भी आपने, उनके भी भाव श्रवण किए। आज भी इस प्रांत की जिम्मेदारी निभाते हुए मंत्रीगणों ने भी अपने भाव रखे और भी अनेकों शुभचिंतक यहाँ समागम पर कल भी आज भी पहुँचे, जो मिशन के उसूलों से भली भांति वाकिफ़ हैं और जो इस बात का एहसास करते हैं कि वाकई ये मिशन सर्वसांझा मिशन है, जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बातें केवल बातें रह जाती हैं, ये मिशन उसको क्रियात्मक रूप देता है। क्योंकि एक वननेस के ऊपर केंद्रित है, वननेस ऑफ गॉड, ये परमात्मा, ये जो एक है, इसलिए एकत्व, एकत्व और सद्भावना, ये मिशन का नारा बना हुआ है कि एक हार्मनी इन वननेस। ये नारा यूँ तो वननेस का तो दो बरस पहले, तीन बरस पहले बर्मिंघम यूके में जो इंटरनेशनल समागम हुआ था 2012 में, वहाँ पर वननेस का नारा दिया गया और लगातार वो चलता जा रहा था। लेकिन पिछले ही गर्मियों में, अगस्त के पहले हफ्ते में, बॉस्टन अमेरिका में विशाल समागम का आयोजन हुआ, तो वहाँ पर वननेस के साथ हार्मनी का शब्द जोड़ा गया कि हार्मनी इन वननेस। यूँ तो इंग्लैंड में ही 7-8 साल पहले वहाँ के सिम्फनी हॉल में हार्मनी ही टाइटल रखा गया था उस समागम का। तो इस तरह से हार्मनी और वननेस का मिश्रण, क्योंकि हार्मनी आ नहीं सकती है जब तक वननेस नहीं आती है, सद्भावना पैदा हो नहीं सकती है जब तक एकत्व पे केंद्रित नहीं होते हैं। तो एकत्व के ऊपर केंद्रित हो जाना, यानी कि एक के ऊपर केंद्रित हो जाना, एक जो परम अस्तित्व है, ये निराकार पारब्रह्म परमात्मा रमा व राम अकाल पुरख, जो अनंत नामों से जिसको संबोधित किया जाता है क्योंकि अनंत गुणों का मालिक है। तो इस तरह से इस एक के ऊपर केंद्रित हो जाने से ही एकत्व के ऊपर हम स्थापित होते हैं और फिर सद्भाव हमारे बनते चले जाते हैं, क्योंकि जो विभाजित वाली प्रवृत्ति है वो छूट जाती है,
एक यानी कि एक ही है, एकत्व एक से ही इसका वास्ता है। यानी कि जब एक है तो फिर उसमें विभाजन का कहाँ गुंजाइश रह जाती है। इसलिए सद्भावना भी तभी पैदा होती है जब एकत्व वे वननेस के ऊपर स्थापित हो जाते हैं। जहाँ पर एक को एक करके जान लिया, एक को एक करके मान लिया, जैसे ये भी मिशन का स्लोगन कि एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। कबीर जी भी कहते हैं कि जब हम एक को एक कर जानिया तब लोगन काहे दुख मानिया। कबीर जी कहते हैं कि मैंने इस एक को एक करके जान लिया है, लेकिन जो अभी भी अज्ञानता में हैं वो परेशान हो रहे हैं कि एक को एक क्यों बता रहा है। काशी और काबा को अलग अलग रहने दे, अल्लाह और राम को अलग अलग रहने दे, तो ये एक पे क्यों केंद्रित हो गया है कबीर? तो कबीर जी ऐसे लोगों के बारे में कह रहे हैं कि जब हम एक को एक कर जानिया तब लोगन का एक दुख मानिया, कि लोग क्यों परेशान हो गए। परेशान वही होते हैं जो खुद इस एक को एक करके जानते नहीं हैं। तो मानना तो दूर की बात है, माना तभी जा सकता है जब जान पाते हैं। एक लिहाज से मान्यताएं बहुत सी हैं जो जाने बगैर हो रही हैं। कैसी कैसी मान्यताएं, कैसी कैसी बिलीफ्स जो अज्ञानता के ऊपर आधारित हैं, इसीलिए कितने भ्रम, कितनी भ्रांतियां, कितने तिथ, कितने वार, पता नहीं क्या क्या, ऐसे ऐसे भ्रम। किसी ने कहा कि इस प्रकार से बिल्ली अगर सामने से रास्ता काट दे, तो उसने कहा कि ये तो बिल्ली रास्ता काट दे तो आगे से वो जवाब देता है कि बिल्ली को भी तो कोई काम हो सकता है, वो बैठी रहे एक जगह, उसने भी तो जाना है। क्या बिल्ली के चलने फिरने पे बैन लगा हुआ है? तो इस तरह से ऐसे ऐसे भ्रम और भ्रांतियाँ अज्ञानतावश इंसान मान लेता है। और इस तरह से महापुरुष संत जन वो उस बोध की बात करते हैं। तो कबीर जी की दास बात कर रहा था कि एक को जाना और एक को एक करके मानना संभव हो गया। जब तक एक को एक करके जाना नहीं था तो एक मानना संभव नहीं है हरगिज़। तो जब एक को एक करके मान भी लिया तो फिर एकता के सूत्र में बंध जाते हैं। तो यही तो एकता की ज़रूरत है, एकता की ज़रूरत है अनेकता में। अनेकता है यहाँ पर भी हिंदुस्तान में, कुछ कोस के बाद भाषा बदल जाती है। जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो भाषाएं हैं हिंदुस्तान की, शायद 24 हैं, लेकिन इसके अलावा कितने डायलैक्ट्स, कितने लिपियाँ, कितने और भाषाएं हैं, उनके भिन्न भिन्न रूप है जो सैकड़ों की तादाद में है। इतनी इतनी भाषाएं हैं हिंदुस्तान में, इतनी अनेकता है। तो इस अनेकता के होते हुए एकता के सूत्र में बंधना लाजिम है। अगर हम सुख चैन प्राप्त करना चाहते हैं तो ये कितनी भिन्नताएं हैं। ये वैसे तो परमात्मा की रचना ही डाइवर्सिटी में है, ये भिन्नता में है। क्या मालिक ने सूरज को चांद की तरह बनाया? क्या धरती को सूरज की तरह बनाया? या फिर सूरज को कहीं जुपिटर या प्लैन, जितने भी हम ग्रह कहते हैं, एक ग्रह दूसरे से मेल नहीं खाता है। ग्रहों की बात छोड़ें, कितने गैलेक्सीज हैं, कितने यहाँ पर सौरमंडल, कितने ही मंडल। और इसी प्रकार से धरती पे ऊपर केंद्रित हो जाएं, जहाँ हमने जन्म लिया, जहाँ की मिट्टी, जहाँ की आबो हवा हम प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें उठ बैठ रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, तो ये धरती को ही देख लें तो ये भी अनेकता में है, कुछ भी तो नहीं मेल खा रहा है। अभी उत्तराखंड में जो समागम हरिद्वार में हुआ, कहाँ पर उत्तराखंड के उत्तरांचल की पहाड़ियाँ, और फिर अगर
मैदानों में आ जाते हैं वहाँ कुछ और रूप है, अगर रेगिस्तानी इलाकों में चले जाते हैं वहाँ कुछ और रेत ही रेत नज़र आती है, राजस्थान में जाते हैं कहीं जैसलमेर के आगे निकल जाएं या जोधपुर से आगे सफ़र शुरू करें तो सड़क के ऊपर भी रेत ही रेत नज़र आती है, तो कहीं पर सागर हैं, कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर तालाब हैं, कहीं पर झरने हैं, कहीं पर बंजर, कहीं पर जरखेज़, कितनी कितनी वनस्पति और प्लांटेशंस, तो यानी कि हर चीज़ अनेकता के रूप में है। ये कुदरत मालिक ने जो रचना की ये सब अनेकता में है, तो फिर केंद्रित हो जाते हैं बंदों के ऊपर, इंसानों के ऊपर, तो ये भी इनकी भिन्न भिन्न पहरावे हैं, भिन्न भिन्न भाषाएँ हैं, भिन्न भिन्न संस्कृतियाँ हैं, तो ज़रूरत है इस एक को बीच में विराजमान जानना और एक हर एक में इसी की अंश, इसी का नूर देखना। जो कणकण में है, कणकण में जानता है जो भक्त, ब्रह्म ज्ञानियों से ये नज़र प्राप्त करता है, वो फिर केवल कणकण तक सीमित नहीं रह जाता है, वो घट घट में भी इसी के दर्शन करता है। तो घट घट देखें अलख को, पूछें जात ना पात, कि वो घट घट में भी इसी के दर्शन करता है। बात एकता की, एकत्व की हो रही है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात हो रही है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात हो रही है, विश्व भाईचारे की बात हो रही है। तो कौन गुरु पीर पैगंबर इस धरती पे अवतरित हुए जिन्होंने ये नहीं चाहा कि इंसान मिलजुल कर रहें, इंसान एक दूसरे की कदर करें, इंसान एक दूसरे के सहयोगी बने। कोई भी गुरु पीर पैगंबर को हम पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि उन्होंने नहीं कहा, हर गुरु वली पीर पैगंबर ने यही एक इंसानों को पाठ पढ़ाया कि हम सब ने मिलजुल कर रहना है, एक दूसरे के काम आना है, एक दूसरे को प्यार देना है, एक मिलजुल कर, जिसको हम कहते हैं कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, अंग्रेजी का शब्द है कोएग्जिस्टेंस, कि हमने कोएग्जिस्ट करना है। पगड़ी वाले ने भी, टोपी वाले ने भी, संस्कृत वाले ने भी, अरबी वाले ने भी, अलग अलग रूप, अलग अलग पहरावे, औरत का रूप है या मर्द का रूप है, तो इस तरह से एक कोएग्जिस्ट करना है, लेकिन केवल और केवल कोएग्जिस्ट नहीं करना है। अगर केवल कोएग्जिस्ट की बात करें, वो तो कोएग्जिस्ट कर ही रहे हैं, लेकिन कोएग्जिस्ट कर रहे हैं एक दूसरे को मारते काटते हुए, एक दूसरे पे जुल्म ढाते हुए, एक दूसरे के दिलों को दुखाते हुए, एक दूसरे के हक को छीनते हुए, इस तरह से कोएग्जिस्टेंस तो है, लेकिन महापुरुष कहते हैं कि केवल कोएग्जिस्टेंस नहीं, इट शुड बी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, कि हमने कोएग्जिस्ट करना है लेकिन पीसफुली, शांति के साथ, इस तरह की हमारी एग्जिस्टेंस हो इस धरती के ऊपर, इस तरह से हमारी उपस्थिति हो इस धरती के ऊपर। तो यही एक महापुरुष संत जन ये संसार के हर मानव को यही संदेश, यही पैगाम ये दिए चले जा रहे हैं कि इंसान तुम इस एक के ऊपर केंद्रित हो जाओ, इस एक को जान लो। जैसे कल भी इसी का जिक्र हो रहा था कि इस एक को हमने जानना है, इसी का हमने बोध हासिल करना है। जैसे किसी ने कहा कि कितनी देर लगती है चांद को देखने के लिए, हाउ मच टाइम इट टेक्स टू सी द मून, तो आगे से जवाब मिला उसको कि आंखें जो बंद हैं उनको खोलने में तो उम्र लग सकती है, लेकिन आंख खुल जाए तो एक पल में चांद को देखा जा सकता है। कि केवल आंख खोलने की देर है, वो आंख, वो नज़र, वो ज्ञान प्राप्त होने की देर है। अगर आप आंखें बंद ही किए रखें तो होर पूरी जिंदगी चांद को नहीं देख पाएंगे। तो पूछने वाले ने इसी भाव से पूछा था कि कितना समय लगता है चांद को देखने के लिए,
तो उसने कहा कि आंखें खोलने में तो उम्र लग जाएगी, लेकिन चांद देखने में तो एक पल लगता है। इन ए फ्लैश यू कैन सी द मून। तो इस प्रकार से ये महापुरुष संत जन ये एक की बात करते आ रहे हैं। इस एक के साथ हमने जुड़ना है और इस एक के ही दर्शन हमने घट घट में करने हैं, और इस प्रकार से सारे भेदभाव हमने मिटा देने हैं, और भेदभाव मिटाकर हमने अपनी तमाम जिम्मेदारियां पालन करते हुए हमने प्रेम पूर्वक इस धरती पे विचरण करना है। प्यार की गंगा हमने बहानी है, एक प्यार जिसकी कमी हो चुकी है। घरों से लेकर समाज से लेकर चारों तरफ नज़र घुमाते हैं कि वो प्यार की कमी होती चली जा रही है। केवल एक जो हमारी जो सेंसिटिविटीज़ हैं एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे को समझने की प्रति, एक दूसरे की फीलिंग्स की तरफ, उस तरफ हम बिल्कुल जड़ होते चले जा रहे हैं, एक पत्थर दिल बनते चले जा रहे हैं। जैसे वो शायर का शेरदास अक्सर कहता है कि हर धड़कते पत्थर को तुम दिल समझते हो, एक उम्र लग जाती है दिल को दिल बनाने में। कि हर धड़कते पत्थर को, यानी कि पत्थर जिसके बारे में शायर कह रहा है वो दिल को संबोधित है, वरना पत्थरों में कहाँ धड़कन होती है। तो धड़कन तो दिल में होती है, लेकिन धड़कन तो है दिल में लेकिन पत्थरास आ गया है, पत्थर वाला बन गया है। तो हर धड़कते पत्थर को तुम दिल समझते हो, एक उम्र बीत जाती है दिल को दिल बनाने में। यानी कि दिल दिल बने उसके लिए धड़कन हो तो प्यार की धड़कन हो, एक एक धड़कन में से जो तरंगे पैदा हो प्यार की पैदा हो। और प्यार ही की ही कमी आज संसार भर में है। भाई भाई में देख लो एक प्यार की कमी। अगर रिश्ता रह गया है तो गर्ज वाला रिश्ता रह गया है, बस जायदाद मेरे नाम लग जाए तो फिर तो पिताजी पिताजी हैं, वरना तो पिताजी को भी मौत के घाट उतार दूं। ये आज सिलसिला है। जैसे सूफी संतों ने पंजाबी में कहा है कि जब अपनी अपनी पै गई ती मानो लुट के लै गई, कि जब अपनी अपनी पड़ गई तो एक बेटी भी माँ को लूट के ले जाती है। इस प्रकार से आज ये एक रिश्ते बनकर रह गए हैं। प्यार वाली कड़ी, प्यार वाली डोर, प्यार वाला वो सूत्र जो कबीर जी ने कहा कि धागा प्रेम का, तो इस प्रकार से ये धागा ही कहीं टूट चुका है। तो इसी प्यार को पुनः स्थापित करने की ज़रूरत है, ताकि घर भी स्वर्ग बन जाए, समाज में भी शोषण ना हो, सामाजिक कुरीतियाँ भी ना हो, ना ही जाति बीच में आड़े आ जाए एक दूसरे के, क्योंकि प्यार है फिर तो नहीं देखा जाएगा कि ये ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य है या हरिजन है, शूद्र है, कौन है, ये नहीं देखा जाएगा, फिर प्यार दिया ही जाएगा। सूरज ने कभी देखा है कि मैंने किसको रोशनी देनी है किसको नहीं देनी है? कभी सूरज ने चितारा है? सूरज की किरणें हर किसी के लिए हैं। तो इसी तरह से जो संत महात्मा भक्त जन होते हैं, जो इस एक का बोध हासिल कर लेते हैं, एक के साथ जुड़ जाते हैं, इस एक को हृदय में बसा लेते हैं, उनके पास फिर प्यार ही होता है देने को, वो फिर प्यार ही देते चले जाते हैं। जैसे चंदन के पास महक और शीतलता है वो वही देता है, उसके पास शीतलता और महक है उसके पास देने को वही है और वो दिए चले जा रहा है। इसी तरह से जो सही मायनों में धर्मी होगा, सही मायनों में भक्त होगा, वो भी देगा तो प्यार ही देगा, और प्यार ही सही मायनों में परमात्मा की सच्ची अभिव्यक्ति है। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। लव इज़ गॉड एंड गॉड इज़ लव, ये स्कूल टाइम में बचपन से ही हम पढ़ते सुनते आ रहे हैं। और ये भी अंग्रेज़ी में एक पंक्ति है कि इफ़ यू सीज टू लव यू सीज टू लिव।
कि तुम्हारा जीवन उस वक्त समझो समाप्त है जब तुम प्यार करना छोड़ देते हो। जीवन वो जीवन नहीं है कि तुम्हारी धड़कनें चल रही हैं और अभी नब्ज़ भी चल रही है, सांस भी ले रहे हो, कोई डॉक्टर तुम्हें मृत घोषित नहीं करेगा। यू आर वेरी मच अलाइव, तुम जीवित हो उस लिहाज से, मेडिसिन के मेडिकल आउटलुक के हिसाब से, बायोलॉजिकली। तो इस तरह से तुम मरे नहीं हो। लेकिन यहाँ पर कहने वाला ये कह रहा है कि उस वक़्त समझो तुम्हारे जीवन का अंत है जिस घड़ी तुम प्यार करना छोड़ देते हो। When you cease to love, you cease to live. Loving is living. प्यार करना ही जीना है। तो इस प्रकार से हमने ये जीवन को जीवन बनाना है। जीवन जीवन होता नहीं है वरना। जैसे कहा कि धड़कनों में अगर प्यार है तो फिर जीवन जीवन है, वरना ये जीवन भी जीवन नहीं है, चलती फिरती लाशें हैं। लाश वो होती है जिसकी मृत्यु होती है, वो लाश रह गई, आत्मा का नाता टूट गया, ना दिल की धड़कने, ना लंग्स, ना कुछ काम कर रहा है, सांसें नहीं चल रही हैं। लेकिन यहाँ पर चल फिर रही हैं, चलती फिरती लाशें, जिंदा दर गौर कहा गया है। गौर कहते हैं कबर में जो होता है, गौर कबर को कहते हैं। तो इस तरह से जैसे जीते हुए ही कबर में ही पड़े हुए हैं। तो कहने का भाव, कहने का तात्पर्य यही है कि महापुरुष संत जन भक्त जनों ने यही एक संदेश हर मानव हर इंसान को ये युगों युगों से दिया है और यही कहा है कि समय अमोलक है। भजन कैले राम का समैया अन बोलवा, ये आप सभी यहाँ पर गीत बोलते हैं कि बड़े बड़े भाग पाय लाई मन एक तनवा, कि ये मन रूप ये तन मिला है मानुष का, ये बड़े भाग्यों से मिला है। तो जीवन को जीवन बनाएं, ये जीवन को मायने दें, इसके कीमत डालें। और सही मायनों में संतों महात्माओं के कहे अनुसार हम अपने जीवन को ढालते चले जाएं, उस सांचे में ढलते चले जाएं, और इस प्रकार से इस धरती को हम गुलजार हम बनाते चले जाएं। वरना तो एक और पंक्ति ध्यान में आती है कि इस धरा ही रह जाता है, कि जो इस धरा यानी कि धरती का है, जो इस धरा का धरती धरा पे धरा ही रह जाता है, सब कुछ यहीं रह जाता है, एक सुई भी साथ नहीं जाती है। ये दुनियावी प्राप्तियाँ, ये उपलब्धियाँ, ये यहीं साथ छोड़ जाती हैं, आगे कहाँ जाएंगी ये। तो इसलिए जो साथ रहता है, जो साथ जाना है, जो हमेशा साथ रहना है, उसी को आधार बनाना है, उसी के साथ नाता जोड़ना है। जो इस लोक और परलोक में भी हमें मालामाल रखता है, ऐसी दौलत के हमने भागीदार बनना है। इस प्रकार से हमने अपने इस जीवन को ऐसी एक दिशा देनी है, ऐसा एक रूप देना है। और इस प्रकार से हमने जैसे कहा कि कर्तव्यों का पालन करते हुए, फर्जों की अदायगी करते हुए, इस तरह से हमने इस जीवन के सफ़र को हमने तय करना है। जैसे वो शब्द के भ्रम आ जाते हैं कि इस तरह से एक जैसे वो भाग लो शब्द है, तो भाग लो शब्द वो भाग खड़ा हुआ, तो कहने वाला कह रहा है कि मैंने ये नहीं कहा कि भाग लो यहाँ से भाग जाओ, मैं कह रहा हूँ भाग लो यानी कि पार्टिसिपेट, इसमें हिस्सा लो। इस तरह से भागने का नाम भक्ति नहीं है, जागने का नाम भक्ति है कि हमने कर्म के क्षेत्र में रहकर, वरना तो शब्द ही हुआ करते हैं, उसके कितने मायने निकल जाते हैं। एक पत्नी पति को कहती है मुझे सोने की चैन कब लेके दोगे, बार बार कहे जाए तो पति कहता है जब चैन से सोने दोगे। तो शब्द तो वही दोनों थे, सोना भी और चैन भी,
वो कह रही है सोने की चैन कब लेके दोगे, वो कहता है जब चैन से सोने दोगे। तो इस तरह से शब्द तो शब्द हुआ करते हैं, लेकिन उसके मायने जो समझ जाता है वो वास्तविकता में एक सही एक जीवन को रूप देता है। तो दास ज़्यादा और शब्दों का सहारा नहीं लेगा, क्योंकि इंद्र देवता भी कुछ बैंड तो बजा ही रहा है, और आप सभी इन मैदानों में इस तरह से यहाँ पर विचरण कर रहे हैं। तो दातार की कृपा है कि कल से ही भरपूर आनंद लिया जा रहा है। और रही बात शब्दों की, जो दास इस वक्त शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये शब्द, ये वाणी, ये वचन तो कल से ही आप सुन रहे हैं, और वो वचन लगातार बहुत कीमती हैं, लाभदायक हैं, कल्याणकारी हैं, यथार्थ हैं। चाहे बच्चे की रसना से निकले, जवान बुजुर्ग की रसना से निकले, तो दास ने तो केवल वो लड़ी ही आगे बढ़ाई है, इसलिए संदेश के लिहाज से तो कोई कमी नहीं रही कल से। तो दास इसलिए वाणी को विराम देगा और अंत में फिर से अपनी खुशी जाहिर करेगा, जो यहाँ रांची में इस प्रांतीय संत समागम पर आकर आप सभी के दर्शन करके प्राप्त हुई कल से ही। और यही अरदास की दातार कृपा करे, आपको शक्ति दे, सामर्थ्य दे कि इसी तरह से प्यार भरा जीवन जीते भी चले जाएं। ये सत्य का पैगाम, ये सत्य का संदेश, ये मानवता का पैगाम, मानवीय गुणों को और मजबूती देते हुए आप आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। और दातार सबको तन मन धन के दुनियावी सुख भी प्रदान करे। सत्संग जी धन कर।